12 किलोमीटर की। हेलो YouTube फैमिली, अब आप सोच रहे होंगे इस चैनल में मैं कैसे दिख रहा हूँ। तो भैया बात ऐसी है कि मैंने कर लिया है चंदू भाई का चैनल हाईजैक, और अब इस चैनल में सारी वीडियोस और व्लॉगिंग मैं करूँगा। और आज है संडे और आज हम जा रहे हैं रामनगर से पाटकोट भलौन, यानी आज संडे था तो हमने सोचा कि आज थोड़ा इन्जॉय कर लें। तो आज से इस चैनल में सारे व्लॉग मेरे आएंगे और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो आज तो आप सब इस व्लॉग को इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं रामनगर से पाटकोट के लिए और अभी हम पहुंच चुके हैं रामनगर। ये जो एरिया है यह शंकरपुर का, और यहाँ से जो पाटकोट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है। और इस समय हम रामनगर के मेन मार्केट में, यानी कि गुलरघट्टी में। तो अब हम पहुंच चुके हैं रामनगर के भवानीगंज में, और जी ये रूट जो जा रहा है ये जा रहा है काशीपुर को, और ये रूट जो जा रहा है ये आगे हल्द्वानी नैनीताल सबको जाएगा। और ये दोस्तों ये है रामनगर का ट्रांसपोर्ट नगर, और जस्ट बगल में ही है यहाँ पे श्री बालाजी मंदिर जो काफ़ी फेमस है रामनगर में। और यह है रामनगर का फेमस बैराज, और ये जो रूट है ये शाम को काफ़ी बिजी रहता है क्योंकि लोग अपने आप को फिट रखने के लिए इस रूट में आते हैं, और वैसे ज़रूरी भी है आज के टाइम में फिट रहना क्योंकि बीमारियां इतनी हो चुकी हैं। भाई अपने आप को फिट रखोगे तभी शायद लंबा जियोगे। तो दोस्तों यह है रामनगर का मेन बैराज जो काफ़ी अर्सों से बहुत पुराना है बट काफ़ी फेमस है। ये देखिए इतना खूबसूरत बैराज आपको सिर्फ रामनगर में मिलेगा। और यहाँ पे ये जो पक्षी आपको दिख रहे हैं सामने, ये काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये देखिए ये भव्य नज़ारा आपको सिर्फ यहीं रामनगर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये रूट जो जा रहा है ये है हल्द्वानी के लिए, और हमको जाना है इधर पाटकोट, तो हम चल रहे हैं ये सारी रूट पे। दोस्तों अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, और इस सफ़र में आपको काफ़ी नई नई चीज़ें शायद देखने के लिए मिल जाए। और दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो और सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, यानी कि मैं फ़र्स्ट व्लॉग शूट कर रहा हूँ, अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रियल बताऊँ आपको मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, और वैसे बकचोदी करना अलग चीज़ है और कैमरे में बोलना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जा रहा है। ये टेढ़ा की फॉरेस्ट चौकी है, यहाँ पे लोगों के वाहन चेक किए जाते हैं, जो भी अज्ञात वाहन होता है उसको रोका जाता है। और इस समय यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक टाइगर जो है उसका आतंक बहुत ज़्यादा हो चुका है इस समय। और आप दोस्तों वीडियो में बने रहना, क्या पता शायद आपको टाइगर ही दिख जाए मेरे माध्यम से, क्योंकि ये कॉर्बेट का एरिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अब पाटकोट के रास्ते में पड़ने वाले फेमस ग्रासलैंड में, और इस ग्रासलैंड की मैं ख़ास बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो रामनगर में काल फिल्म की शूटिंग हुई थी वो इसी जगह में हुई थी, क्योंकि ये जगह इसलिए फेमस है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल ग्रासलैंड है, खुला एरिया है, और जो भी लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर फ़ोटो सेशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ फ़ोटो बहुत कैड़ आती है, बहुत ज़बरदस्त आती है, आप देख सकते हैं इस ग्रासलैंड को। दोस्तों अब हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है, यहाँ से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की। दोस्तों मैं आपका दोस्त संदू था पा चुका हूँ, और मन्नू भाई ने कोई मेरा चैनल हाईजैक वगैरह कुछ नहीं किया है, ये है कि हमारा एक ड्रामा था, हमने एक सीन क्रिएट करना था उसके लिए हमने किया, और मन्नू भाई को व्लॉगिंग का भी शौक है तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉगिंग का इंट्रो और पूरा व्लॉगिंग मन्नू भाई से शूट किया जाए, क्योंकि यार इनका बहुत मन है व्लॉग करने का, और संडे था इन्होंने कहा यार चलो मन्नू भाई घूमने चलते हैं।
कुछ खाने चलते हैं। तो हमने कहा चलो फिर पाठकोट भलोन से बेस्ट लोकेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती है, और मन्नू भाई का मन भी था व्लॉगिंग करने का, तो मैंने आज पूरा सारा इंतजाम इनको ही सौंप दिया है और ये व्लॉग पूरा ये शूट करेंगे। मैं इनके साथ हूँ और पहली बार मैं किसी और के साथ हूँ, पूरा व्लॉग मन्नू भाई शूट करेंगे। मन्नू भाई सही चल रहा है ना? अरे बहुत सही चल रहा है, बहुत सही, ठीक हो गया। और अभी हम यहाँ आपको इसका इंटर तो मन्नू भाई ने सब दे ही दिया है, अभी 10-12 किलोमीटर हमारा रह गया है, अब हम यहाँ से निकलते हैं 10-12 किलोमीटर, सीधा आपको डेस्टिनेशन मिलते हैं और सीन इंजॉय करते हुए जाइए। हाँ, जो भी कुछ आपको बताएंगे हमारे मन्नू भाई बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस व्लॉग के पूरे जो मालिक हैं हमारे मन्नू राणा जी है। और इस समय अब थोड़ा गर्मी भी पास आने वाली है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे रोड में पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं, सारे सूखे पत्ते, और जिससे इसको खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। और जिस जगह हम जाने वाले हैं दोस्तों, वहाँ की एक बात बताता हूँ मैं आपको, वहाँ का खाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं अपना घर का खाना छोड़ के देखो इतनी दूर यहाँ आ रखा हूँ। वहाँ का खाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जो वो खाना बनाता है ना दोस्तों, वो बनाता है चूल्हे में, यानी जो भट्टी होती है, आग वाली जो लकड़ी वाली जो भट्टी होती है उसमें बनाता है, और उसका जो टेस्ट होता है ना दोस्तों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ख़तरनाक। अगर आप भी एक बार खाएंगे ना तो आपका भी बार बार मन करेगा वहाँ जाने का और खाने का। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं इस समय भलौन, आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत गाँव है। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यह है महेंद्र भाई की दुकान। महेंद्र भाई मौज कर दी। महेंद्र भाई हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम पहुंच चुके हैं भलौन महेंद्र भाई की शॉप में, और हमने महेंद्र भाई को अपने खाने पीने का जो सामान है वो दे दिया है, वो उसको रेडी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ पहले महेंद्र भाई से। ये हमारे महेंद्र भाई, आज के मिस्टर सैफ। तो महेंद्र भाई एक बार हमारे सब्सक्राइबर को हेलो कर दो। हेलो। और साथ ही साथ हमारे हैं चंदू भाई। तो चंदू भाई मैं आपसे एक बार चीज़ जानना चाहूँगा, आज आप ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो कहीं आपको मुझसे जेलस फील तो नहीं हो रहा ना? नहीं, छोटे भाई हो हमारे, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमसे आगे बढ़ो, सीखो कुछ, ये तो सीखने की उम्र है यार आपकी, आप लोग सीखोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें तो प्रेरणा मिलेगी कि हमसे छोटे भाई हमसे आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों से हमें सीखने को मिलेगा यार। और आप मन्नू अड्डा जी को भी मिस कर रहे हैं, अगर वो होते तो और झम ब्लॉग बनता यार। वो तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो आपका जरा बोलना अच्छा हो जाता ना अगर वो मन्नू भाई होते तो। उसके साथ काफी मेरा बहुत ज्यादा अच्छा बॉन्ड है, तो अगर वो होता तो उसके साथ काफी ऐसा मजा आता मुझे। और पुनीत भाई बात नहीं, भी सॉरी यार वो मन्नू भाई लेके आया, मैं नहीं आया हूं, ये लेके आया इनसे कहना, वरना आज हमने आपका काम फाइनल करना था, अब मन्नू भाई ले आए, ठीक है। तो बस हमारा अब महेंद्र भाई हमारा खाना रेडी कर रहे हैं, हम भोजन वोजन करते हैं और उसके बाद हमने घर निकलेंगे, ब्लॉग को एंड भी यहीं करते हैं फिर। हाँ, है ना, ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग को एंड करेंगे और बढ़िया सा एक टाइमलेस देखिए आप, और ब्लॉग यहीं समाप्त हो जाएगा। हाँ, और जरा बताइए आज हमारे मन्नू भाई ने कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, आज मन्नू भाई ने कैसा ब्लॉग बनाया, फर्स्ट टाइम है, जरा बताइए कमेंट्स बॉक्स के मन्नू भाई ने। दोस्तों आपने कमेंट करना है कि चंदू भाई का ब्लॉग अच्छा था या मेरा, दोनों का अच्छा है। नहीं नहीं भैया, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मेरा देखो फर्स्ट ब्लॉग है, और आपको पता है यार फर्स्ट ब्लॉग में होता ही है, फर्स्ट टाइम हेजिटेशन होती है, बट आपने एक बार फाइनल कमेंट करके बताना है कि मेरा ज़्यादा अच्छा है या चंदू भाई का अच्छा है। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट।